ये पैनासोनिक की एलईडी टीवी है जो कि 24 इंच की एलईडी टीवी है। इसे हम ऑन करते हैं और इसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ये ऑन हो गया और इसके बाद देखिए ये प्रॉब्लम, ये देखिए वाइट कलर का चारों तरफ से स्क्रीन पे और बीच में इस तरीके से पिक्चर है। हम पिक्चर को भी दिखाते हैं आपको। इस तरीके से ये पिक्चर आ रही है। अब इसके फॉल्ट को टेस्ट आउट करते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसके बेसिक वोल्टेज को चेक करते हैं जो हमारा बीजीएल बीजीएल और एबीडीडीबी कॉम है। उसके बाद आगे स्टेप बाई स्टेप बढ़ते हैं, जैसे गामा वोल्टेज हुए। तो चलिए देखते हैं। एक बार इसके सोर्स पीसीबी को देख लें। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे बीजीएच की सप्लाई है और ऐसे यहाँ से चेक करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये बीजीएच की सप्लाई, ट्वेंटी एट वोल्ट यानी 28 वोल्ट यहाँ पे बीजीएच की सप्लाई आ रही है। अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पे ये BGL यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए -7.7 वोल्ट यानी BGH हो गया और BGL हो गया। अब यहाँ पे BGHP ये देखें 29.8 वोल्ट और उसके बाद BDDR थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट, फिर यहाँ पे 3.3 वोल्ट। GB ऑफ 2.7 वोल्ट, ESW रिसेट 2.9 वोल्ट, यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाइए BAA मतलब ABDD 17 वोल्ट यानी 16.99। अब इसके बाद यहाँ पर BDDAM बीकॉम ये बीकॉम की सप्लाई है 8.8 और यहाँ पे BCM 6.2। गामा को चेक करते हैं,
16.4 सारे वोल्टेज ओके हैं, गामा के सारे वोल्टेज ओके हैं। अब देखते हैं इसका फॉल्ट कहाँ से है। यहाँ पर देखिए ये जो है ग्लास एरिया काफ़ी हिट हो रहा है, यानी सारे वोल्टेज ओके हैं, प्रॉब्लम यहाँ से है। इसके टेम्परेचर को दिखाते हैं आपको, देखिए भी 29 है, ये टेम्परेचर ऐसे बढ़ते बढ़ते यानी काफ़ी टेम्परेचर है यहाँ पे, जैसे जैसे हीट हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे शो हो रहा है टेम्परेचर। अब इसका सलूशन है या तो ग्लास एरिया यहाँ पे कट करने का, या तो फिर यहाँ से कप से इसके ट्रैक को एक एक कट करके देखते हैं, लेकिन इससे पहले कस्टमर से क्लियर करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं, पहले इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जैसा होगा फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। देखें इसे ध्यान से, यहाँ से स्पार्क हुआ है, अब इसे करके देखते हैं, जैसा रिजल्ट निकलेगा उसके बारे में आपको बताते हैं।